सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन टोटली सारा प्रशासन इन्हां दे नाल मिलिया वा, जाती हो रही है बक बक पिंडा तो यही लोगों के फोन आ रहे हैं। बंदे अपना इन्होंने कटाई की है, बंदे गरीब बंदे डंडे मारे, इन्होंने पुलिस ने अंदर जाके आप मोहर लान लगी, ये बड़ी शर्म वाली गल है कि साडे बंदे नूं डंडे मार के बाहर कढ़ के तकली दे। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि पंजाब में पंचायती चुनावों का काम लगभग समाप्त हो चुका है और हर गांव को अपनी पंचायत भी मिल चुकी है, जहां पंचायती चुनावों को लेकर पंजाब के कुछ जिलों से धक्केशाही की खबरें प्राप्त हुई, वहीं कुछ स्थानों पर मारपीट व बूथ पर कब्जा करने की भी खबरें प्राप्त हुई। दूसरी ओर सत्ता पार्टी के विजयी रहे उम्मीदवारों में खुशी का माहौल भी नजर आया, जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अब बात करते हैं राजपुरा इलाके की, तो यहाँ भी कई स्थानों पर बूथ पर कब्जा करने व मारपीट की खबरें प्राप्त हुई, जिस पर गुस्साए लोगों द्वारा राजपुरा के गगन चौक को काफी समय तक जाम भी किया गया। राजपुरा सिटी थाना के प्रभारी सरदार गुरचरण सिंह द्वारा धरनाकारियों को समझाने के बाद इस धरने को समाप्त किया गया। आइए आपको दिखाते हैं राजपुरा के गगन चौक पर लगाए गए जाम की कुछ तस्वीरें। अज का जी जिहड़ा कांग्रेस का जिहड़ा गुंडा राज है वह खुल के पब्लिक के सामने आ गया। असी देख रहे पहला जदों कागज भरे जा रहे थे कांग्रेस की एड्डी वड्डी धक्केशाही भी बिल्कुल गलत इल्जाम ला के जिहड़े कैंडीडेटा के किसी के बार दे के रैंप नहीं खेतों के बंदे बैठे कागज रद्द करते। चलो उस तो हद नहीं हुई, इन्हां ने तो फिर अगे हद करती। जिहड़ियां चोणां ने अज तक असी नहीं देखिया कभी सरपंची दीआं चोणां दे विच पिंड लेवल से जाके बूथ कैप्चर कर। मैनू बक बक पिंडा तो फोन आ रहा है, गढ़ी पिंड साडे उत्थे बंदे इन्होंने बुला के पुलिस की मदद लैके अंदर वाड़ते ते बूथ कैप्चर करके वोटा पाउण लगे। शाम नूं पिंड दे विच पुलिस प्रशासन गया, उरे दा SHO नाल पुलिस पार्टी दे गया, जाके बंदे धक्के मार के बाहर कढे अते जल ही इन्हां तों वोटा पवा दित्तियां। उत्थे जाके अपने नाल बंदे लेके जिहड़े कांग्रेस के वर्करां नूं नाल लिजा के उत्थे वोटा पवाईआं। पुलिस प्रशासन टोटली सारा प्रशासन इन्हां दे नाल मिलिया वा, जाती हो रही है बक बक पिंडा तो यही लोगों के फोन आ रहे हैं। सानू प्रॉपरली काउंटिंग दे विच नहीं बैठन दिता जा रहा, जां साडे पिंडा दे विच आके इन्हां ने पुलिस की मदद नाल आके बूथ कैप्चर करके जाली वोटा पवाईआं। यह बहुत निंदणयोग है, असीं चाहुंदे नहीं जिहड़ा जाम वाला है। असीं जदों बंदा रोंदा वह देखदा मेरी पीड़ा कौन सुनूगा। वैसे असीं इस गल की माफ़ी चाहते हैं भी जिहड़ी पब्लिक परेशान हो रही है जाम लग्या, पर यह लोग कहते साडा कोई दुख दर्द सुनने वास्ते तैयार नहीं। यह आवाज़ जिहड़ी बोली सरकार के कन्नां तक गूंज सके, उपर तक जा सके, चोण कमिश्नर तक पहुँच हो सके भी जिहड़ा इत्थे जाम लग्या यह किस वजह करके लग्या, भी उरे जिहड़ा जातियां हो रही ने जिहड़ियां इलैक्शनां नहीं, इन्हां ने तो धक्केशाहियां ही कर रहे, धक्के नाल ही लोगों नूं बना देना चाहिए सी, फिर आ ढोंग रचण की की लोड़ सी। यह बहुत ज्यादा निंदणयोग गल है, कांग्रेस हर एक फ्रंट तो फेल हो चुकी है, लोगों ने बुरी तरह नकारता। इन्हां दे कैंडीडेटां नूं 10-10 वोटां नहीं पैणियां सी, इन्हां ने हुण सोचिया भी असीं की करिए, जबरदस्ती अपनी इज्जत बचाउण वास्ते बूथ कैप्चर कर रहे हैं, जिहड़ी कि बहुत ज्यादा निंदणयोग गल है। धरना बाई जी सारे ही पिंडां दे विच लगभग जिते जिते कांग्रेस के कैंडीडेट हार रहे सीगे उत्थे उत्थे इन्हां ने धक्का किया है, सारे कैंडीडेटां नूं उत्थां तों बाहर कढ़िया इन्हां ने, ते अंदर जिहड़े बंदे इन्हां दे अपने सी उन्हां नूं अंदर वाड़िया इन्हां ने। इस करके साडे कोल कोई हुण चारा नहीं, धरना लाउण तों बिना साडे कोल कोई होर चारा है नहीं।
सारे बंदे अपना इन्होंने इन्होंने कटाई की है बंदे गरीब बंदे ने डंडे मारे इन्होंने पुलिस ने कपड़े पारते इन्होंने लाठीचार्ज की है कपड़े पारते जेडे राहगीर फसे हुए हैं असं उन्होंने जरूर माफी मंगते हैं कि साडे करके उन्होंने तंगी हो रही है पर साडे कोल होर प्रोटेस्ट करन दा कोई तरीका नहीं सीगा इस करके असं इत्थे जाम लाया उन्होंने असं हाथ जोड़ के माफी मंगते हैं उन्होंने बहुत ही देर तंग नहीं करा असं थोड़ा जिहा पिछे धरना ला लेंगे पर साडा प्रोटेस्ट का तरीका बस हुण साडे कोल इही बचा एक असीं करिए की साडा धरना है जी ये शाम को कैंप के कैंप जिहड़ा साडा पिंड है ये सनिचरवार मंगण वाले का पिंड है जो कि इन्होंने इन्होंने एक अपना समाज है उन्होंने अपने पंची के जो मुकाबले उन्होंने अपने बंदे अपने अपने नुमाइंदे चुने हुए थे जी और कुछ जोड़े शहर के कुछ बंदे जोड़े नरेंद्र शास्त्री वगैरह शहरी प्रधान ने उन्होंने आके उसे गुंडागर्दी करी इन्हों जे अंदर बंदे बैठे थी वो बाहर कढ़ते पोलिंग एजेंट तो इन जे कैंडीडेट से अंदर पोलिंग कैंडीडेट यह सरासर धक्का शहर आए बंदे कांग्रेस सरकार का यह जो राज है अज तक मेरी 40 साल की उम्र होगी मैं नहीं यह गंदा राज अज तक देखा एक मंगण वाले सनिचरवार मंगण वाले गरीब लोग ने बड़ी पीसफुली वोटा पै रही शहर के बंद ने पिंड जाकर उसे माहौल खराब कर और डंडे मारे इन्हों के बच्चों के भी डंडे बजे लेडीज के भी डंडे मारे सो असी इसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं असी इस सरकार को कहना चाहते भी यह जी निकम्मी सरकार गंदी सरकार से जिन्होंने लोगों ने बनाया अज तक पूरा धक्का करती रही असी पूरे खिलाफ तुम पुलिस प्रशासन बारे भी नारेबाजी कर रहे हो पुलिस प्रशासन की है जी प्रशासन को फोन करके बुलाया उत्थे देखा पर उत्थे साडी कोई सुनवाई नहीं हुई सगो उल्ट पुलिस ने अंदर जाके आप मोहर लाने लगी ये बड़ी शर्म वाली गल है कि साडे बंदे नूं डंडे मार के बाहर कढ़ के कौन ने कौन मोहरा ला रहे थे जी पुलिस ने खुद आप मोहरा ला रहे थे पहली बार होया भी किसी पिंड के जाके प्रशासन आप मोहरा ला रहा यह बड़ी दुखदाई घटना है असीं इहदा पूर्ण जोर विरोध करते हैं राजपुरा से ललित कुमार की रिपोर्ट न्यूज 89 सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद